नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव परिणामों ने सभी को हैरत में डालने का काम किया है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी मात्र 240 सीटों पर सिमट गई है, तो दूसरी ओर जिस कांग्रेस के पूरी तरह खात्मे की भविष्यवाणी की जा रही थी, उसने सभी को चौंकाते हुए ऐसी वापसी की है कि सभी राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुमान गलत साबित हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की सीटें कम होने का और कांग्रेस की सीटें बढ़ने का कारण क्या है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं। बीजेपी एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है, माननीय मोदी जी भी एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो बीजेपी की सीट कम हुई है और कांग्रेस की सीट बढ़ी है, उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, फर्जीवाड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया जिसमें वो संविधान को खत्म करने और मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी का एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया जिसमें आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरुण गोविल जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दलित के घर खाना खाने से मना कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एससी एसटी को पीट रहे। किरोड़ी लाल मीणा जी का राजस्थान में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो आरक्षण खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। यूपी में एससी एसटी एक्ट, एससी एसटी का जो प्रमोशन में आरक्षण, उसको खत्म कर दिया गया है। एक ये फर्जी खबर पूरी वायरल हुई, अखबार की वो जो कटिंग थी वो फर्जी थी। पीएम मोदी का एक आरक्षण विरोधी बयान, वो भी फर्जी बयान था, वो खूब वायरल हुआ। अखिलेश यादव जी एक मंदिर में गए, बाद में उस मंदिर को धोया गया, ये भी एक फर्जी वीडियो था लेकिन खूब वायरल हुआ। आरक्षण के खिलाफ भागवत जी का एक फर्जी वीडियो जबरदस्त वायरल किया गया। मराठा समुदाय को लुटेरा कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा भी एक वीडियो खूब फर्जी वायरल, खूब फर्जी वीडियो था, उसको खूब वायरल किया गया। अमित शाह जी ठाकुरों को गाली दे रहे हैं, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। योगी जी ब्राह्मणों को अपशब्द कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। बीजेपी को वोट न देने पे दलितों की पिटाई की गई है, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। सिखों का अपमान किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, सिखों के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू जी को अयोध्या में निमंत्रण ही नहीं दिया गया, ये भी खूब खबर, खूब प्रचारित की गई। पीएम मोदी जी की जो गारंटी थी, उस गारंटी को अमित शाह जी कह रहे हैं ये तो जुमला है, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें नड्डा जी कह रहे हैं बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये वीडियो भी फर्जी था लेकिन खूब वायरल हुआ। कर्नाटक के लोग पापी हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ऐसा वीडियो खूब फर्जी, खूब जबरदस्त वायरल किया गया। काशी विश्वनाथ में पूजा करते समय योगी जी का चेहरा ब्लर कर दिया गया और ये आदेश पीएमओ के द्वारा किया गया था, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। मनोज तिवारी जी ने कन्हैया से हार मान लिया है, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। आमिर खान और रणबीर सिंह ये प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ। सलमान खान और शाहरुख खान प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज होने के लिए अपील कर रहे हैं, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ। अल्लू अर्जुन और रवीना टंडन कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। और सबसे बड़ी बात तो 1 लाख की गारंटी वाला वीडियो जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी का था, खटाखट 1 लाख, खटाखट 1 लाख, वो वीडियो खूब वायरल हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो भाजपा की सीटें कम हुई हैं और कांग्रेस की सीट बढ़ी है, इसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, सड़ी हुई चुनाव व्यवस्था। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जिसके द्वारा पूरे देश में चुनाव होता है, ये 1951 में नेहरू जी ने बनाया था, वो कानून सड़ चुका है, उसको बदलने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन कोड लागू करने की जरूरत है। भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है, हर भारतीय 1.5 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। इसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए दूंगा, खटाखट खटाखट खटाखट, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा 1991 का कानून, 1951 का कानून जो नेहरू जी ने बनाया था, 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो महाघटिया है, वो कोई रोक ही नहीं लगाता है। एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया जिसमें बीजेपी के नेता कह रहे हैं जब तक 200-300 लोग बंगाल में मरेंगे नहीं, तब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी।
वो वीडियो भी फर्जी था लेकिन वायरल किया गया, उससे लोगों में ये बात समझ में आई कि अच्छा ये जो मर्डर जो हत्या हो रही है उसके उस पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही। महाराष्ट्र में मराठों के खिलाफ बीजेपी नेताओं के झूठे बयानों का वीडियो खूब वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश में दलित बनाम संवर्ण करने के खूब झूठे वीडियो वायरल हुए। ब्राह्मणों को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ, क्षत्रियों को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ। और ये सब इसलिए चलता रहा क्योंकि हमारा कानून घटिया है, साइबर फ्रॉड के खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं है, फर्जी खबर फैलाना हमारे यहां गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी वीडियो बनाना हमारे यहां गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी बोलना झूठे वादे करना हमारे यहां गंभीर अपराध नहीं है। आप कुछ भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो बीजेपी का सीट कम हुई है और कांग्रेस की सीट बढ़ी है, इसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप भारत में वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास फांसी देने का प्रावधान करिए। ये जो फर्जी वीडियो बने हैं ना, सब पैसे के लिए बने हैं। जो फर्जी खबर फैलाई गई पैसे के लिए फैलाई गई, जो फर्जी वीडियो एडिट कर करके प्रधानमंत्री जी के, गृहमंत्री जी के, बाकी और नेताओं के भी एडिटेड वीडियो वायरल हुए, ये किस लिए? पैसे के लिए। ये पैसा लेते हैं और वीडियो को एडिट करके वायरल कर देते हैं। पूरा तमाशा बना रखा है हमारी व्यवस्था का। अगर भारत में जस्टिस विद इन ईयर होता ना, एक एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो गया होता, तो गांधी परिवार जेल के अंदर होता। गांधी पर राहुल गांधी इसलिए बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ इतने मुकदमे फिर भी बाहर घूम रहे हैं, उनके मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा है। अगर गांधी परिवार जेल में होता, कांग्रेस खत्म हो गई होती, कांग्रेस खत्म हो गई होती तो 99 सीट कांग्रेस को नहीं मिलती। संपत्ति को आधार से लिंक किया होता तो हमारे जितने सफेद पोश बाहर घूम रहे हैं ना, जो कोई समाजवाद की बात करता है, कोई गांधीवाद की बात करता है, कोई गंगा जमनी तहजीब की बात करता है, कोई कई बात, सबके कालाधन बेनामी संपत्ति पकड़ में आ गई होती। और एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला करने और संपत्ति 100% जब्त करने, नागरिकता खत्म करने का कानून होता, आधे नेता छोड़ के भाग गए होते, विदेश भाग गए होते। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, डीएमके खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये महबूबा की पार्टी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी, अब्दुल्ला की पार्टी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बन जाए, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बन जाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए, मैं कह रहा हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगी, डीएमके खत्म हो जाएगी, केरल में ये जो एलडीएफ यूडीएफ बना हुआ, भ्रष्टाचार खत्म, कालाधन बेनामी संपत्ति खत्म, तो यूडीएफ एलडीएफ खत्म। देश भर में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जो चल रही है, दौड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, केवल काले धन से लड़ रही है, फंडिंग से लड़ रही है, हवाला की फंडिंग हो रही है, भारत के अंदर भी फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अब आप जितने विकास होने थे 10 साल में हो चुके हैं, अब आप पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, टैक्स रिफॉर्म करिए, अब आप वो काम करिए जो जनता चाहती है। जिन लोगों का मुकदमा, 5 करोड़ लोगों का जो मुकदमा चल रहा है, इनको तारीख पे तारीख मिल रही है, वो बहुत हताश है, निराश है। जिससे ज्यादा आशा होती है उससे ज्यादा निराशा भी होती है, जिससे ज्यादा प्रेम होता है उससे ज्यादा नफरत होती है। सबको आशा थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे तो जुडिशियल रिफॉर्म होगा, फटाफट मुकदमों का फैसला होगा, एक एक साल के अंदर मुकदमों का फैसला होगा, लेकिन हुआ नहीं। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और 5 करोड़ अलग से चल रहे हैं, जो तहसीलदार के यहाँ चल रहे हैं, एसडीएम के यहाँ चल रहे हैं, एडीएम के यहाँ चल रहे हैं, चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहे हैं, एसओसी के यहाँ चल रहे हैं, डीडीसी के यहाँ चल रहे हैं, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ चल रहे हैं। तो 10 करोड़ परिवार तो ऐसे मुकदमे के कारण टेंशन में थे, उनको आशा थी कि नहीं यूपी में योगी जी आएंगे तो फटाफट मुकदमों का फैसला होगा, केंद्र में मोदी जी आएंगे तो फटाफट मुकदमों का फैसला होगा, वो नहीं हुआ। जो लोग चाहते थे कि गुलामी के नाम खत्म हो, बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के नाम पे, उन नामों को नहीं बदला गया, एक नेमिंग कमीशन नहीं बना, नामकरण आयोग नहीं बना, उससे वो दुखी है। जो लोग चाहते थे गुलामी का निशान जो है वो उसको रिस्टोर किया जाए, काशी मथुरा भद्रकाली भोशाला कानून बना के रिस्टोर किया जाए, वो भी निराश है। जो लोग चाहते थे गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, वो नहीं हुई, तो वो भी निराश है। जो चाहते थे गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले, ये मदरसा सिस्टम और गुरु ये क्या बोलते हैं मिशनरी सिस्टम खत्म हो, भारत का वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू हो, उस पर कोई प्रयास नहीं हुआ, तो वो भी निराश है। बहुत सारे लोग चाहते थे कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था दोबारा रिस्टोर हो, ये जो पूरा विदेशी चिकित्सा व्यवस्था ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, ये बदले और भारतीय चिकित्सा, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी को बढ़ावा दिया जाए, कहीं ना कहीं वो भी निराश है।
जो लोग चाहते थे कि ये पुलिस व्यवस्था जो थाना दलाली का अड्डा बना हुआ ये रुके, भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन थाने की दलाली तो रुकी नहीं, थाने का भ्रष्टाचार तो रुका नहीं, एज इट इज चल रहा है, हवलदार वैसे खेल खेल रहा है, थानेदार वैसे ही खेल खेल रहा है, तो उसमें कुछ कमी नहीं आई, तो वो भी निराश है। जो लोग चाहते थे कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है विदेशी ये बंद हो, ये जो तहसीलदार कलेक्टर ये जो व्यवस्था चल रही है इसका भारतीकरण किया जाए, तो वो निराश है, कह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो हो नहीं रहा। जो लोग चाहते थे जुडिशियल रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं हुआ, कोई उस पर आगे काम ही नहीं हुआ, तो वो भी निराश है। बहुत सारे लोग चाहते थे टैक्स रिफॉर्म हो, ये जो दुनिया भर के टैक्सों का मकर जाल चल रहा है जिसके कारण पूरे व्यापारी परेशान है, वो छोटा व्यापारी हो, मिडिल क्लास व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सब परेशान है, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल वैट, टीडीएस, फलाने फलाने फलाने। लोग चाह रहे थे भारत में वन नेशन वन टैक्स होगा, तो व्यापारी भी कहीं ना कहीं निराश है उनको, क्योंकि मैंने आपको कहा जितनी ज्यादा आशा उतनी ज्यादा निराशा, जितना ज्यादा प्रेम उतनी ज्यादा नफरत। मोदी जी से इतनी ज्यादा आशाएं हैं, इतनी ज्यादा आशाएं कि थोड़े लोग निराश हो रहे, जिनको लगता था कि भाई ये इलेक्शन में जो अपराधी आते जा रहे हैं इनका रोकथाम होगी, लेकिन अपराधी आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने इलेक्शन रिफॉर्म पे कोई काम नहीं किया, हमने घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, हमने जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, हमने नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, अवैध हथियारों का जो कारोबार चलता है उसके खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, हमने हवालाबाजी, कबूतरबाजी, नक्काली, घटतौली के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, हमने जो है जो कालाधन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने और नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया, हमने माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, हमने घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं बना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना, तो इससे निराशा है। तो बीजेपी की सीट कम होने और कांग्रेस की सीट बढ़ने के अनेक कारण है, उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हो सकता है, वक्फ एक्ट को खत्म नहीं किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म नहीं किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को खत्म नहीं किया, जितने भी कांग्रेस ने कानून बनाए थे हमने किसी भी कानून को खत्म नहीं किया, चाहे 1954 का ड्रैगन मैजिक एक्ट था उसको खत्म नहीं किया। तो लोगों की आशा थी कि सरकार आएगी हमारी तो जितने कांग्रेसी कानून हैं ये भी खत्म होंगे, जितने अंग्रेजी कानून हैं ये भी खत्म होंगे, भारत में थाने का भ्रष्टाचार खत्म होगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिले का भ्रष्टाचार खत्म होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार खत्म होगा, रेलवे का भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोग जाएंगे किसी काम के लिए तो उनको वहां पे बार ऑफिस ऑफिस दौड़ाया नहीं जाएगा। लोगों को ये आशा थी कि अगर अब जो है तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी बल्कि न्याय होगा, तो एक निराशा भी है, कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक बड़ा कारण हो सकता है, ये इतनी सारी निराशा भी बड़ा कारण हो सकती है, जो कांग्रेसी कानून नहीं खत्म किए गए बदले गए ये भी बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है फर्जीवाड़ा, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, इतने फर्जी वीडियो वायरल हुए, इतने सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट बने हुए हैं, ट्विटर पे फर्जी अकाउंट बने हुए हैं, फेसबुक पे फर्जी अकाउंट बने हैं, व्हाट्सएप पे फर्जी वीडियो घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फर्जी वीडियो घूम रहे हैं, और इसका मूल कारण क्या है? घटिया कानून, कानून का खौफ नहीं है। जब तक कहते नहीं भय बिन होए न प्रीत, कानून कठोर होता है और फटाफट अगर दंड मिलता है तो खौफ पैदा होता है, फिर लोग गलत काम करने से डरते नहीं है। गलत काम इसलिए सब हुआ है इस पूरे चुनाव में क्योंकि सबको पता है कुछ भी बोल दो, कुछ भी भाषण दे दो, कुछ भी वादा कर दो, 1-1 लाख देने का वादा कर दो, 5-5 लाख देने का वादा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कानून ही नहीं है। किसी प्रधानमंत्री का फर्जी वीडियो वायरल हो रहा, सोच लीजिए आम जनता की क्या औकात, गृह मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल कर दिया, क्यों, कहां से हिम्मत आई, उनको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 महीने की सजा हो जाएगी ना। अरे भैया जब 1-2 करोड़ रुपए मिल गया वीडियो, फर्जी वीडियो वायरल करने का, उसके बाद अगर 1-2 साल सजा भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री से, आप उन कामों को करिए जिससे लोग हताश हैं, जिसके न होने से लोग निराश हैं, जिसके न होने से हताश हैं। आप घुसपैठ के खिलाफ कठोर, तत्काल कठोर कानून बनाइए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, जनसंख्या नियंत्रण कठोर कानून बनाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करिए, यूनिफॉर्म हेल्थ कोड लागू करिए, यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करिए, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू करिए, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करिए। अब रिफॉर्म वाले काम करिए,
ये जो जहाज के ऊपर आज भी वीटी लिखा हुआ है, विक्टोरिया टेरिटरी, इसको खत्म करिए। कुल मिला के जो गुलामी के नाम, गुलामी के निशान, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी के संस्कार चल रहे हैं, इनको खत्म करिए। ये गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म करिए। गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदलिए, गुलामी की लेबर सिस्टम को बदलिए, गुलामी के जो है जो बिजनेस सिस्टम, इसको बदलिए और हर चीज़ का भारतीयकरण करिए। यही आपसे आशा है और मुझे पूरा विश्वास है आपकी बार 400 पार भले नहीं हुआ, लेकिन अगली बार 2029 में 400 पार होगा, 100% होगा। केवल ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम मैंने कहा है, पहले कई बार कह चुका हूँ, उसको लागू कर दीजिए। और एक और आग्रह है, अब ये संसद का सत्र साल में 4 बार बुलाइए, 3 बार में हो नहीं पाएगा। 25-25 दिन संसद चले और साल में 4 बार चले, यानी कम से कम 100 दिन पार्लियामेंट चले ही चले। और जो हंगामा करते हैं उनके लिए नो वर्क नो पे सिस्टम लागू करिए। अगर कोई संसद डिस्टर्ब करे, संसद को धम खराब करे, उसके ऊपर नो वर्क नो पे, ना वेतन मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी, ना भत्ता मिलेगा, तब जाके संसद चलने देंगे, नहीं तो हंगामा करते रहेंगे, पूरा संसद सत्र खत्म होता जाएगा, कानून बदले नहीं जाएंगे, अंत में निराशा और बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।